फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप भी अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ सैमसंग मोबाइल को। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी फ़ोन को रीस्टार्ट किया है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है रीस्टार्ट कैसे करते हैं, और फ्रेंड्स, रीस्टार्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका हैंग हो रहा है या फिर कोई भी इशू आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है रीस्टार्ट के साथ में। तो चलिए मैं आपको शुरू से आपको सब कुछ बताता हूँ रीस्टार्ट कैसे करते हैं। तो रीस्टार्ट करना बहुत ही आसान है, बस इसको जो आपका ऐप्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और उसको इस तरीके से नीचे पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रीस्टार्ट वाला बटन दिख जाए तो इस पर क्लिक करना है और बीच वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक बार और क्लिक करना होगा और आपका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद यहाँ पे ऑन हो जाएगा तुरंत ही। तो यहाँ पे आपको अपने रीस्टार्ट का बटन आपको मतलब ऑटोमेटिकली दिखता है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है सैमसंग गैलेक्सी, और आपका मॉडल वगैरह आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो इसी प्रकार से आप इन जो जो फीचर्स है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ोन को ईजिली रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो इन सब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो कुछ ही सेकेंड में आपका ये जो फ़ोन है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये बस ये लोडिंग हो रहा है, फ़ोन इज़ स्टार्टिंग। अब आपका यहाँ पे ऐप्स वगैरह दिखना शो हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई हो।